मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी छोटी सी 3 मिनट की, जिसमें मैंने जो भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं उनको मैंने बोला था कि अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक टच हो मेरे आने वाले सेशंस में तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और जिन कमेंट्स के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स आएंगे वही मेरे आने वाले जो सेशंस हैं उनके टॉपिक्स होंगे। और कुछ ऐसा आया है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो क्या कहूँगा, लौंडे तो लौंडे ही रहेंगे ना। ये मेरे पास में लिस्ट है जो टॉप पे जो टॉपिक आया है, तो गेस कि क्या होगा वो टॉपिक। लड़के हो तो मतलब थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए। मैस्टर्बेशन, इसी से रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पॉर्न हो गया, मैस्टर्बेशन हो गया, सेक्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे लड़कियों को क्यों नहीं बुलाया है, नहीं तो एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती उनके लिए भी और हमारे लिए भी। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम यार दोस्त बैठे हैं, अपना आपस में बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। वैसे तो कैमरा लगे हुए हैं, ज़्यादा खुल के भी मत करना। थोड़ा सा संभल के, हाँ संभल के दोस्त। अगर आप में से कोई भी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है, क्योंकि वीडियो में आप लोगों की शक्लें देखने वाली हैं, हाँ आपका एक घिनौना चेहरा आने वाला है वीडियो के अंदर, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है या आप कॉन्शियस हो रहे हो तो आप पीछे जा करके बैठ सकते हो, जिससे आपकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी छुप जाए। या फिर जैसे डेट पे लड़कियाँ जाती है रुमाल बांध करके, वैसे अपना रुमाल बांध लो मुँह के ऊपर, सिर्फ आंखें आपकी दिख रही होंगी और रुमाल के अंदर से आप बोल रहे होंगे मैं क्या कहूँ मेरी क्या दिक्कत। आप तभी बोलना जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, नहीं तो आराम से बैठो, बैठ के सुनते रहो और क्या है, उसमें आपका क्या जा रहा है, जो जाएगा मेरा जाएगा। शक्ल मेरी दिख रही है, गालियाँ मुझे पड़ेंगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ फ्रेंड हम लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ऑल्दो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं अपना आपस में, बट ये फीमेल्स के लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेल्स की नहीं है, फीमेल्स की भी है, अगर इसको हम प्रॉब्लम कहें तो। वो भी जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो हमको समझना है कि प्रॉब्लम है भी या नहीं। जो क्वेश्चन जिसके ऊपर 5,900 लाइक्स आए हैं वो है, सर टॉक अबाउट मैस्टर्बेशन प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट गेट सॉल्यूशन एनीवेयर। तो अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है। इस क्वेश्चन में पहले ये अज्यूम कर लिया गया है कि ये प्रॉब्लम है, तो क्या हो अगर मैं कहूँ ये प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल है, नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये समझना है कि कैसे नॉर्मल है, नेचुरल है, तो उसमें मेरी ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे जाकर के सर्च करो, वो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में वो आपको बताएंगे कि साइंटिफिकली कैसे नॉर्मल है, नेचुरल है। सर मैस्टर्बेशन प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है। हाँ राइट, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि मैस्टर्बेशन प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो वो प्रॉब्लम है। और वो तो हर चीज़ में ही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें नहीं है। पानी पीना बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, 8 से 10 ग्लास अगर आप पानी पियोगे एक दिन में तो बहुत अच्छा है, 20-30 ग्लास पियोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। खाना आप खाओगे, जितनी भूख है अगर उतना खाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर टेस्ट के लिए खाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आपको भूख नहीं है, बस खाए चले जा रहे हो टेस्ट के लिए, हर एक एक घंटे में कुछ ना कुछ चर रहे हो। इसको आप उससे भी लिंक कर सकते हो, मैं डायरेक्टली ना बात करके थोड़ा घुमा फिरा के बात करूँगा ताकि थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे आपको भी और मेरे को भी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है हम सबको, या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं अभी वीडियो में उनको, कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि हमको सोल्यूशन निकालना है, नॉर्मल है, नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। करना क्या है, नंबर वन इसको ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, नंबर टू इसको सप्रेस नहीं करना है। हर चीज़ को अगर आप लाइफ में अपनी जगह पर रखो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा ही सप्रेस करोगे तो प्रॉब्लम है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमें भूख लगती है, क्या ये प्रॉब्लम है? क्यों नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि अगर भूख ही नहीं लगेगी और अगर हम खाएंगे ही नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। भूख नहीं लग रही है ये प्रॉब्लम है, तो अगर आपके अंदर इस तरह की अर्जिज नहीं उठ रही है, आपकी एज हो चुकी है, बच्चे हो तो बात अलग है, एक पर्टिकुलर एज हो गई है जो आप सबकी अभी है, अगर इसको ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, तो आपको एक डॉक्टर के पास में जाना है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सबके साथ में हो रहा है मेरे साथ, तो प्रॉब्लम है नंबर वन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? Yes, कि भूख नहीं लग रही है तो प्रॉब्लम, भूख लग रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भूख लग रही है उतना आप खा रहे हो,
कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. खा रहे हो टेस्ट के लिए, मजे के लिए, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. मोबाइल को जितना जरूरत है उतना ही यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 8-8, 10-10 घंटे तक मोबाइल पे लगे रहो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. एक पर्टिकुलर एज के बाद में इफ यू आर एन एडल्ट, तो अगर थोड़ा बहुत कभी पोर्न देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूरा दिन पोर्न ही देखते रहो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. समझ गए ना? हाँ, अगर देख रहे हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार चलो देखता हूँ क्या हो रहा है, जस्ट टू लर्न, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है ये भी एक लाइफ का एस्पेक्ट है, चलो देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहां पर भी आप सीख रहे होते हो तो वहां पर आप सीख करके ग्रो कर जाते हो. जहां पर सीख नहीं रहे होते हो, प्लेजर्स के लिए उस काम को कर रहे होते हो, तो आप इंडल्ज्ड हो जाते हो चीजों के अंदर, फिर आप नीचे गिरते चले जाते हो. सीख करके ग्रो कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है. अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा जो आपके लोगों के माइंड में आएगा या बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा, तो अगर ये नॉर्मल है तो कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है. मतलब किस लेवल पे जाकर के हम कहेंगे कि ये एडिक्शन है और किस लेवल पे हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है. तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, हमें कुछ बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. दैट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी. आप इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते आकर के कि कितना खाना सही है. किसी के लिए 2 रोटी सही है, किसी के लिए 4 रोटी सही है, किसी के लिए 6 रोटी सही है, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप. तो वो आपको खुद कॉल लेनी है कि आपके लिए कितना सही है. फॉर समबडी इट कुड बी वंस इन अ वीक इज ओके, फॉर समबडी वंस इन अ डे इज ओके, बट यू नीड टू टेक दिस कॉल बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग. इज इट द नीड ऑफ माई बॉडी और इज इट द डिजायर ऑफ माई माइंड. कि मेरी बॉडी ऐसा कुछ नहीं मांग रही है लेकिन मैं जबरदस्ती पॉर्न देख करके एक्साइटेड हो करके जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं. जबरदस्ती क्यों करना है? तो इस तरह से दिमाग लगाना होता है, समझना होता है, अपनी लाइफ को डिजाइन करना होता है. कुछ टाइम ऐसा होगा आपकी लाइफ में जहां पे आप चाहो भी तो आपके पास में टाइम नहीं है ये सब करने का. जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो वहां पर तो आप शुरू नहीं हो जाओगे प्रोफेसर पढ़ा रहा है क्लास में तो. तो आपको ये समझना है कि मेरा टाइम कहां पे खराब हो रहा है, मेरी लाइफ कैसे खराब हो रही है पॉर्न की वजह से और मैस्टरबेशन की वजह से. ये समझ आ रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? मतलब कि आप खाने के बारे में ना सोचते रहो. क्यों ना सोचते रहो? क्योंकि अगर आप खाने के बारे में ही सोचते रहे तो जो करने वाले और काम है वो कैसे करोगे? सबसे ज्यादा माइंड में खाने के बारे में कब आता है? जब व्रत रखते हैं. कभी देखो ना क्या होता है दुनिया में. करवा चौथ वाले दिन जो लेडीज होती हैं कैसे टूट करके पड़ती है रात को खाने के ऊपर. सारे रेस्टोरेंट्स भरे पड़े होते हैं, लाइन लगी होती है, नंबर्स चल रहे होते हैं. वो रेस्टोरेंट जो खाली भी पड़े होते हैं वहां पर भी 1-1 घंटे की वेटिंग होती है. इससे क्या समझ आ रहा है? कि जब हम अपने किसी डिजायर को सप्रेस करते हैं तो हमारी भड़ास बहुत बुरे तरीके से वहां पर निकलती है. तो इतना सप्रेस करो ही मत अपने आप को. उससे क्या होगा, क्या मिलेगा आपको सप्रेस करके? बस कहीं पर पढ़ लिया है, किसी से सुन लिया है कि करना बुरा होता है. साइंटिफिकली नहीं समझा, लाइफ में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बुरा है. बस समझना है हमको कि किसको किस तरीके से यूज करना है. इतनी अगर हमारे अंदर समझदारी हो तो कुछ भी बुरा नहीं है इस लाइफ में. जहर भी बुरा नहीं है. जो हमारी मेडिसिन है क्या वो पॉइजन नहीं है? तो क्या पॉइजन बुरा है? पॉइजन भी अच्छा है अगर आप सही तरह से उसको यूज करो. जब करना है तब करो, जितना करना है उतना करो, लिमिट में करो. जैसे अगर आप हफ्ते में 2-4 बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन. बट दिन में आप 4 बार कर रहे हो तो देन इट इज एन एडिक्शन. तो क्या बोलना है अपने आप को वहां पे? बहुत स्ट्रांग वर्ड्स बोलने होंगे कि मुझे, मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं और कोई नहीं करेगा. कौन करेगा आपको कंट्रोल? आपकी माँ करेगी? नहीं बेटा मत कर, उसको तो पता भी नहीं है आप क्या कर रहे हो. तो कौन कंट्रोल करेगा? आपको खुद ही को करना पड़ेगा. तो करते क्यों नहीं हो? बोलने रहते कि मजा है, हमें अच्छा लग रहा है. कभी सोचते क्यों नहीं हो कि मजे से होगा क्या? अभी आपका क्या टाइम है? अभी आपका जो टाइम है, अभी जो आपकी एज है, वो है अपना करियर बनाने की, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहो अपनी पूरी लाइफ के लिए. सोचो अभी आपने यही सब करने में निकाल दी अपनी लाइफ. अपने आपको बोलना है, शीशे में खड़े होकर अपनी शक्ल देखो, बोलो जिंदगी भर मुझे क्या हाथ हिलाते रहना है या कुछ काम भी करना है? Why not? ऐसे बोलना होता है अपने आप को. स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने होते हैं तभी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो कैसे करोगे? ये प्लेजर्स आपको अपनी तरफ खींच लेंगे. आपको बोलना है प्लेजर इज नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट बैड. आप कुछ खाते हो उसमें आपको अच्छा लगता है खा करके, भूख लगी है उसके बाद में खाया तो अच्छा लगता है. ये अच्छा लगना जरूरी है. अगर अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो आप खाना ही बंद कर दोगे. प्यास लगती है पानी पीते हो अच्छा लगता है
तो प्लेजर अच्छा है, बुरा नहीं है, बट प्लेजर इज नॉट द एंड गोल. आपको प्यास नहीं है, बस पानी पिए चले जा रहे हो, पिए चले जा रहे हो, पिए चले जा रहे हो, कुछ भी इमेजिन करके. उससे क्या होगा? पॉर्न क्या है? एक फैंटेसी वर्ल्ड ही तो है जहां पर हम खो जाते हैं जा करके. रियलिटी में कहीं कुछ नहीं हो रहा है. रियलिटी में सिर्फ आपका एक मोबाइल है या एक कंप्यूटर है, आप सिर्फ इमेजिनेशन की एक दुनिया में खोए पड़े हो. वाइल वॉचिंग पॉर्न, ध्यान दो वहां पर हो क्या रहा है. तो आप देखोगे जैसे ही आपका ध्यान स्क्रीन में जाएगा तो अंदर बॉडी में बहुत तरह की सेंसेशंस होने लग जाएंगी. मतलब आप होश से बेहोश हो रहे हो, आपका कंट्रोल अपने ऊपर से जा रहा है. तो अगर इस चीज को आप देख पाओ, ये ज्यादा हो रहा है आप लोगों के लिए या समझ आ रहा है? हाँ, ये बड़ा आसान है करना, कोई मुश्किल नहीं है. आज जाकर के करना, ऐसे देखते रहते हो. मैं पॉर्न को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि कोई नहीं भी देखता हो तो देखेंगे. जैसे ही आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको बहुत एक्साइट कर रहा है, तो आप देखोगे आपका कंट्रोल आपके ऊपर से खोने लग जाएगा. आप उसमें खो जाओगे, मतलब आपका कंट्रोल अपने माइंड पर से गया. अब कंट्रोल आपका किसके हाथ में है? जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके हाथ में है. और कई तरह की बॉडी में सेंसेशंस. फिर एक सेकंड में अपना ध्यान मोबाइल की तरफ ले जाओ, देखो उस मोबाइल के बटन्स देखो. जैसे ही वो देखोगे बॉडी में सेंसेशंस होनी बंद हो जाएंगे. जो आप एक्साइट हो रहे थे ना, वो खत्म हो जाएंगे. ये एक्साइटमेंट क्या है? एक सपने के जैसा है. ये समझना है कि वो जो मैं मोबाइल में देख रहा हूं वो रियलिटी नहीं है, वो कचरा है, कुछ नहीं है. दैट इज जस्ट प्ले ऑफ लाइट्स एंड शेडोज. एक्चुअल में वहां पर कुछ भी नहीं है. एकदम से बटन दबाओ देखोगे गायब, फिर बटन ऑन करोगे फिर देखोगे कुछ आ गया. तो ये क्या है? एक इमेजिनेशन ही तो है, एक सपना ही तो है. तो सपने के पीछे मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं? तो आपको फर्क पता होना चाहिए सपना क्या है, रियलिटी क्या है. ताकि रियलिटी में जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करोगे किसी पर्सन के साथ में, तो उसको टच करो, तो आपके माइंड में वो पॉर्न नहीं घूमनी चाहिए जो आप देखते आए हो, क्योंकि वो फैंटेसी उस रियलिटी से बिल्कुल अलग है. सर मुझे पता नहीं कि मतलब ऐसे सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ है, बट मेरे साथ तो है एटलीस्ट कि सर अर्जेस आती हैं और उसके बाद फिर प्लेजर के लिए जैसे भी वो करते भी हैं, ठीक है, बट सर मेरे साथ क्या होता है कि ऐसा करने का जो प्लेजर आता है उसके बाद रिग्रेट की फीलिंग आने लगती है. बुक टच करने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत बुरा लगता है कि नहीं करना चाहिए था. वो क्या चीज़ है? मैं बहुत देखो, ये मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होनी चाहिए. इस बात को मेरी गांठ बांध लो अच्छे तरीके से. आप चाहे कुछ गलत से गलत भी कर जाओ, अगर उस गलती से आप सीख रहे हो तो वहां पर रिग्रेट की कोई गुंजाइश नहीं है. मतलब ये मत समझो कि मैं गलती ही ना करूं, कि मैं एक बार को सोच लूं कि हाँ अब मैंने अपना एक ये फिक्स कर दिया, हफ्ते में 3 दिन तो 3 दिन, बट आपको हुआ कि एक दिन में 3 बार हो गया. हो जाता है जी, भावनाओं में बह जाते हैं तो उससे सीख लो. देखो उस दिन क्या क्या हुआ, देखो क्या गड़बड़ हुई उसके बाद, देखो आपकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई, क्या पॉजिटिवली अफेक्ट हुई, क्या नेगेटिवली हुई. नेगेटिवली हुई तो बंद कर दो उस काम को, पॉजिटिवली हुई करो ना 3 बार को बंद कर. खत्म बात, एज सिंपल एज दैट. मतलब डोंट क्रिएट अननेसेसरी रूल्स इन योर लाइफ एंड डोंट गेट स्टक इन दोज रूल्स. मतलब आप खुद ही अपने एक बिलीफ बना रहे हो और खुद ही उसमें जाकर के फंस रहे हो, फिर खुद ही दुखी हो रहे हो. बट कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, फीलिंग दिमाग में स्टक है कि ऐसा किया और ये गलत हुआ है कुछ. हाँ, तो ये गलत सही को हटा दो, कुछ भी गलत सही नहीं है. अगर हम सीख रहे हैं तो सब कुछ सही है. गलत सही क्या होता है? लाइफ का एक्सपीरियंस है. आपको एक बॉडी मिली है जिसके अंदर कुछ अर्जेस उठी, उसके हिसाब से आपने एक्ट किया. कोई क्राइम तो नहीं किया ना? यू हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम. वो किया देन रिग्रेट होनी चाहिए, बट इफ यू हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम, आपने गलत किया किस बेस पे? मुझे लग रहा है गलत है, हो सकता है वो सही भी हो ना? उस टाइम पे अगर आप वो नहीं करते तो हो सकता है पागल खाने में या आपसे कुछ और हो जाता. ठीक है जी, क्लियर है ना? सर जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं और कभी कभी मतलब इम्पोर्टेंट चीज हम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद सेक्सुअल अट्रैक्शन आ जाता है बीच में. तो उसके मैं ये मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि हाउ टू मेक ए बैलेंस बिटवीन द सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन माय लाइफ. वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ सीट. Whether it is masturbation or attraction towards somebody, इसका root cause क्या है? Body ऐसी ही है, इस तरह के desires होना natural है. तो अब उस desires को आप कैसे पूरा करोगे? एक तो ये है कि आप किसी और पर depend नहीं हो रहे हो. That is masturbation. That is much better than going to a prostitute and getting into all kinds of complications. या फिर किसी person को आप झूठ बोल करके
उसको बोल करके कि हाँ मैं बड़ा सीरियस हूँ तेरे को लेकर के वट एवर इट इज, और उसको झूठे झूठे सपने दिखा करके उसको यूज कर रहे हो कुछ अपने सेकंड्स के प्लेजर के लिए, उसकी भी आपने लाइफ बर्बाद करी और खुद की भी बर्बाद करी, ये बेटर है या मैस्टरबेशन बेटर है? मैस्टरबेशन इज एनी डे बेटर देन ऑल दीज थिंग्स। वो एक कहावत है ना अपने चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।